और सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर नीतीश कुमार अब नए मुख्यमंत्री एक बार फिर से होंगे। 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले सकते हैं। नतीजों के बाद नीतीश कुमार आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उधर हार के बाद पहली बार आरजेडी की भी बैठक हो रही है, तो अब चिंतन मनन इस बात को लेकर कि जो परिस्थितियां नतीजों के बाद दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी स्टेटमेंट हमने आपको सुनवाया था, तारिक अनवर कह रहे हैं कि हमसे चूक हुई और इसके लिए आत्मचिंतन करना होगा। लेकिन जीत ने जिनके कदमों में दस्तक दी है, एनडीए खेमा नीतीश कुमार आज विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे और 16 नवंबर तारीख बताई जा रही है फिलहाल, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले सकते हैं। तो बिहार में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस में खलबली मच गई है। पार्टी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि उससे गलती हुई। तारिक साहब, आपने आज एक ट्वीट भी किया है इस सिलसिले में, क्या लगता है कांग्रेस की वजह से ही आज महागठबंधन जो है वो सत्ता से दूर हो गई है? देखिए, जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है, क्योंकि पिछली बार 41 सीट में हम लोगों को 27 सीट प्राप्त हुई थी और इस बार 70 में हमको मात्र 19 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर जा चला गया। और यह भी फैक्ट है, क्योंकि बहुत का अंतर नहीं है महागठबंधन में और एनडीए के, अगर आप टैली करें तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो मुश्किल से 10-12 सीट का अंतर है। तो अगर 10-12 सीट हम लोगों को और मिल जाती तो सरकार हमारी बन जाती, तो हम इस बात को महसूस करते हैं। तो कांग्रेस का आपने खराब प्रदर्शन बोला, इस पर आत्मचिंतन की बात कही, तो वजह क्या रही होगी? आपको लगता है क्या आरजेडी का वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर आप लोगों को नहीं हुआ, या फिर क्या वजह? नहीं, वजह तो देखिए इसमें गहराई से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, फौरन किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, तो इसलिए हमने एक सुझाव दिया है कि हम लोगों को बैठ कर इस पर चिंतन करना चाहिए और जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे बातचीत करनी चाहिए, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, या जो हमारा कैंपेन था, जो पूरा चुनाव अभियान था, उस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमको पहुँचना चाहिए। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त उस जगह के बाहर से मौजूद है जहां पर महागठबंधन की बैठक चल रही है। रोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, हालांकि तारिक अनवर ने माना है कि गलती हुई है, चूक हुई है, उस पर आत्मचिंतन करना बेहद जरूरी है, अगर कांग्रेस का इंडिविजुअल तौर पर देखें तो प्रदर्शन काफी खराब रहा है, लेकिन अगर महागठबंधन को देखें तो कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई जा सकती है, क्योंकि एक तरीके से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। बंधन में आरजेडी की बात करें और वामपंथी दलों की बात करें तो इनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर रहा है, सीटें भी इनको ज्यादा आई है। सबसे खराब प्रदर्शन महागठबंधन में कांग्रेस का है, 70 में केवल 19 सीटें जीती हैं और इसी के बाद कांग्रेस में जो है वो खलबली मची हुई है। जैसा कि तारिक अनवर के बयान सामने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही आज महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में नहीं बन पाई है। और बहरहाल दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ये राबड़ी आवास की तस्वीरें हैं जहाँ पर महागठबंधन की जो नेता है, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में जो है वो बैठक भी जो है शुरू होगी, जहाँ पर महागठबंधन के नेता को का चयन किया जाएगा। लेकिन महागठबंधन का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है उसको लेकर कांग्रेस जो है उसमें जरूर जो है वो खलबली इस वक्त मची हुई है। मीनाक्षी, ठीक है, रोहित आपके पास लौटेंगे। उत्कर्ष भी मौजूद है सीएम आवास से हमारे साथ। उत्कर्ष, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का विजय भाषण तो हमने कल देख लिया, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक सामने नहीं आए, एक ट्वीट उन्होंने जरूर किया, लेकिन हलचल सीएम आवास पर जबरदस्त होगी। क्या चल रहा है वहां पर, कौन कौन पहुंचा है, आज के दिन में आगे क्या हम डेवलपमेंट देख सकते हैं?
बिल्कुल मीनाक्षी, जीत के बाद सिर्फ नीतीश कुमार ने कल एक ट्वीट किया था, उसके अलावा अभी तक उनका ना तो कोई बयान सामने आया है ना ही आने वाली रणनीति सामने आई है। हालांकि अब से कुछ मिनट पहले जीतन राम मांझी जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, वो अपने विधायकों के साथ सीएम हाउस पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत चल रही है। आने वाली जो सरकार होगी उसमें जीतन राम मांझी की क्या भूमिका होगी, संभवतः इस पर भी बात होगी। सूत्र बता रहे हैं कि कल मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की है, साथ ही साथ ये जानकारी भी आ रही है कि आज संभवतः नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे, जहां उनके विधायकों के साथ ही जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत हो सकती है, कार्यकर्ताओं को संबोधन हो सकता है। हालांकि ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि दीपावली के बाद 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही जो चुनाव आयोग की टीम थी वो राज्यपाल भवन गई है, जो कि सीएम हाउस के ठीक सामने है। जो भी इस चुनाव के नतीजे रहे, जो भी तमाम जो डेटा रहा, वो सारी चीजें, वो सारी जानकारियां लेकर चुनाव आयोग की टीम राज्यपाल भवन गई है और संभवतः आज नीतीश कुमार डिटेल्स उत्कर्ष आगे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन नजर लगातार पटना में, बिहार में जो हलचल चल रही है सरकार गठन को लेकर, उस पर हमारी बनी हुई है, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।